दोस्तों हर लेडीज़ की चाहत होती है कि वो सुंदर सी ज्वेलरी पहने, बड़े बड़े इयररिंग पहने। स्पेशली आजकल तो बहुत ही ट्रेंड में है बड़े बड़े इयररिंग पहनना। ऐसे रेगुलर हम जब बड़ी सी ज्वेलरी या इयररिंग पहनते हैं, जहाँ हम नॉर्मल भी जैसे घर पर छोटे भी हम टॉपर्स वगैरह भी या छोटे इयररिंग्स पहनते हैं, तो उससे भी कई बार हमारे कान के शीर जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं, उनका जो होल होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। जब हम फिर उसमें इयररिंग्स पहनते हैं तो उनकी वो शेप नहीं आती, उनकी वो लुक नहीं आती जो छोटे शेद में जो छोटे कान के होल में आती है। वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बड़े किसी भी साइज़ का हम इयररिंग पहनते हैं तो वो पहनकर नीचे लटक जाता है। अगर बड़े होल में हम पहनते हैं तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। उसे छिपाने के लिए कई बार हम अपने इयररिंग के ऊपर सपोर्ट देते हैं, जैसे चेन होती है चेन डाल लेते हैं अपने कान के ऊपर, लेकिन वो किसी किसी इयररिंग के साथ तो चलता है लेकिन किसी के साथ वो चलता नहीं, वो अच्छा भी नहीं लगता हर टाइम हम उसे पहने। तो उसके लिए सर्जरी करवानी पड़ती है, टांका लगवाना पड़ता है, फिर जाकर वो होल छोटे होते हैं। और कई बार तो होल बड़ा होते होते कान नीचे से कट जाता है, वो दो पार्ट में हो जाता है। मुझे आप में से ही किसी फ्रेंड ने किसी दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि अगर हमारे कान का शेप बड़ा हो जाए तो उसे छोटा करने के लिए क्या आपके पास कोई ट्रिक है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जिसे यूज़ करके आप जस्ट 10 सेकंड से भी कम समय में अपने कान का शेप जब भी चाहें उसे छोटा कर सकते हैं और जितने चाहे आप हैवी इयररिंग्स पहन सकते हैं। ये ट्रिक उन दोस्तों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा जिनके कान के शेद अभी छोटे हैं, वो नॉर्मल साइज के हैं, क्योंकि धीरे धीरे हर किसी के कान के शेद बड़े हो ही जाते हैं। इसीलिए अगर आप इस ट्रिक को अभी से अप्लाई करेंगे तो आपका जो कान के शेद है वो फ्यूचर में कभी बड़े होंगे ही नहीं। दोस्तों कान का शेद छोटा करने के लिए जस्ट हमें एक चीज़ चाहिए, सर्जिकल टेप। ये आपको मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगी और बहुत सस्ती होती है, जो 20-25 रुपए की आपको मिल जाएगी। और अगर आप 2-3 साल लगातार इसे यूज़ करते हैं तो भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हम इसे बहुत थोड़ा सा यूज़ करने वाले हैं। वहाँ पर दो तरह का टेप होता है, एक कपड़े वाला होता है और एक कागज़ वाला होता है। आपको कागज़ वाला टेप नहीं यूज़ करना, आपको कपड़े वाला टेप लेना है। जिस सामने आप जो देख रहे हैं ये कपड़े वाला टेप है, इसे पैकिंग से हम निकालेंगे, खोलेंगे पहले। तो ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही टिकाऊ उपाय है, क्योंकि हमारी स्किन के लिए भी बिल्कुल सेफ होता है, क्योंकि इसे हमारी स्किन के ऊपर ही यूज़ किया जाता है। हम टेप को पैकिंग से निकाल कर उसे खोल लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी है एक बार के दोनों कानों के यूज़ के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि हमें कितना कम इसे यूज़ करना है, बहुत थोड़ा सा हमारा यूज़ होने वाला है। बस एक छोटा सा पीस जो है मेरे पास है दोनों कानों के लिए हमारे चल जाएगा। मैं इसे दो पार्ट में काट लूँगी क्योंकि दोनों कानों के लिए हमें इसे यूज़ करना है। इस टेप से मैंने दो छोटे छोटे पीस कट कर लिए। अब इन दोनों पीसेस को हमें अपने दोनों कानों के पीछे जहाँ पर कान का होल होता है, कान के पीछे हमें इस टेप के पीस को लगाना है। अब मैं दोस्तों अपने किसी नोन जिनके कान का शेद बड़ा है उनके ऊपर वीडियो शूट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप इनके कान का होल देख सकते हैं कितना बड़ा है। ऐसा हर लेडीज़ के साथ हो जाता है, ऐसे साइज का बड़ा होल हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको इस होल के बीच इयररिंग पहनाकर दिखाऊंगी कि देखिए कैसे नीचे लटक जाता है। देख सकते हैं आप, ऐसे अगर हम बड़े होल के बीच इयररिंग्स डालते हैं तो वो ऐसे लटक जाता है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे कान में पहना हुआ इयररिंग नीचे की ओर लटक गया है, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जो कान का बड़ा सा होल है वो भी वैसे का वैसा ही दिखाई दे रहा है सामने। आप देख सकते हैं कि ऐसे बड़े होल में कोई भी इयररिंग्स पहनते हैं तो कितना और सा लगता है, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसी कारण बड़े होल जब हमारे कान के हो जाते हैं तो हम अपने मन चाहे इयररिंग्स नहीं पहन सकते। हमें जब भी कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता है, दिल कहता है कि हम भी बड़े बड़े इयररिंग्स पहने, लेकिन पहन नहीं सकते क्योंकि उनका होल दिखाई देता है, उनकी शेप प्रॉपर नहीं आती। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए दोस्तों हमने जो टेप काट कर रखी है उसे हम कान के पीछे लगाएंगे। इस तरीके से आप देखिए, हमें जहाँ पर हमारे कान का होल होता है वहाँ पर टेप को लगाना है। और आपको टेप भी जस्ट उतनी काटनी है जो आपके पीछे पीछे रहे, फ्रंट आपके आगे से टेप वो दिखाई ना दे। तो इस तरीके से आपको टेप को कान के पीछे चिपका देना है। ये टेप बहुत बढ़िया होती है, इसके पीछे जो ग्लू लगी होती है चिपकाने के लिए वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो बिल्कुल भी उतरने वाली नहीं है। पानी वगैरह से भी वो ख़राब नहीं होती, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। आप अगर
एक बार इस टेप को लगा देंगे तो आप जब चाहेंगे, आप खुद जब आपको उतारना होगा तब भी वो उतरेगी, अदरवाइज आपकी टेप ख़राब नहीं होगी। अब जब आपको ईयरिंग्स पहने तो आप देखिए जो होल का बिल्कुल ऊपर लास्ट होता है वहाँ से आपको ईयरिंग को पहनना है। आप चाहे तो इस टेप के बीच होल पहले भी कर सकते हैं सेफ्टी पिन वगैरह के साथ। वैसे आप ईयरिंग्स को थोड़ा सा ही दबाते हैं तो ईजिली टेप में छेद हो जाता है। आप दूसरी साइड देख सकते हैं कैसे आ गया है ईयरिंग्स दूसरी साइड। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं, देखिए वही ईयरिंग कितना प्यारा लग रहा है कान में, जो पहले कैसे लटक रहा था बिल्कुल भी लटक नहीं रहा। आप भी ऐसे इस ट्रिक को यूज़ करके अपने मन चाहे ईयरिंग्स पहन सकते हैं। देखिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस कान का होल बहुत बड़ा होगा, जहाँ पर तो अभी छोटा ईयरिंग पहना है। आप जितना हैवी ईयरिंग पहना चाहें ऐसे पीछे टेप लगाकर उसे पहन सकते हैं, क्योंकि जो ईयरिंग का वेट है वो अब टेप पर है, हमारी स्किन पर नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपके कान की स्किन पर वो वेट नहीं आएगा। इसीलिए जिन फ्रेंड्स के कान के छेद अभी छोटे हैं वो भी जब भी हैवी ईयरिंग्स पहनने तो उससे पहले इस टेप को कान के पीछे लगा लें तो उनके कान के छेद भी कभी बड़े नहीं होंगे, क्योंकि जो टेप है उसके बीच जब हम छेद करेंगे वो बड़ा नहीं होगा तो जो भी ईयरिंग का वेट होगा हमारे कान पर नहीं आएगा, तो इससे हमारे कान के छेद बड़े होने से बचे रहेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिनके कान के छेद बड़े हो चुके हैं उनके लिए भी ये हेल्प कर सके, और जिनके अभी कान के छेद छोटे हैं उनके भी कान बड़े होने से बचे रहें। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।